अच्छा सपोज ये डाटा आपको गिवन है, कुछ ये कुछ साइटेशन है किसी एक पेपर के अंदर, एक पेपर था उसके अंदर 100 वर्ड्स के बाद पहली साइटेशन आई, यानी कि इस पेपर ने एक और पेपर को साइट किया हुआ था 100 वर्ड्स के बाद, फिर 200 वर्ड्स के बाद यानी कि स्टार्ट से 200 वर्ड जब आया वहाँ पे एक और साइटेशन पड़ी हुई थी, फिर 500 के बाद एक और, एंड सो ऑन। अभी यहाँ पे तो ये सॉर्टेड पड़ी हुई है, एक ऑर्डर में पड़ी हुई है, ठीक है। हो सकता है ये डाटा जब आपको दिया जाए तो ये सॉर्टेड ना हो, आगे पीछे पड़ा हो। तो पहला काम अपने अपनी आसानी के लिए ये करेंगे कि इन्हें सॉर्ट कर लें अपने पास, ठीक है, किसी एक ऑर्डर में कर लें। फिर आपको यहाँ पे ये दिया गया कि एप्सिलॉन की वैल्यू यानी कि वो जो रेडियस था वो 200 है, मिनिमम पॉइंट्स का जो क्राइटेरिया वो है 3। तो फर्स्ट स्टेप आपने इसमें ये करना है, इनमें से कोई भी एक पॉइंट रैंडमली आप एक पिक कर लेंगे, वो मुझे आप में से कोई एक बता दें, कोई एक पॉइंट। 950 सर। 950 हम पहला पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अब आप कोई भी पॉइंट इनमें से लेंगे किसी भी तरह, तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम क्लस्टर्स बनेंगे, सब कुछ सेम ही होगा, ठीक है। पहला पॉइंट हमने लिया 950। हम पहला काम ये करेंगे, इसे हम चेक करेंगे क्या ये कोर पॉइंट है या नहीं है। वो देखने का क्या तरीका है, हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू 200 है, 950 का हम सर्कल जो हम हमारे पास बनता है वो क्या बनता है, ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1150, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 750, यानी कि 750 से लेके 1150 के अंदर अंदर आपके पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 3। मिनिमम 3 पॉइंट्स होंगे तब आपके पास ये जो 950 ये कोर पॉइंट बनेगा। अब आप देखेंगे 750 से लेके 1150 तक कितने पॉइंट्स है इस डेटा के अंदर, एक आपके पास ये है 800, ठीक है, वो भी यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। 900 है आपके पास, 950 है और 1140 है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है कि 200 के एप्सिलॉन के अंदर 3 पॉइंट्स कम से कम होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे मीट हो रही है। तो 950 आपके पास क्या है, कोर पॉइंट है। तो जब आपने ये देख लिया कि ये कोर पॉइंट आपके पास निकल आया है एक, तो यहाँ से आप क्लस्टर 1 बनाना शुरू कर देंगे, C1 आप उसे कह लें, क्लस्टर 1 कह लें। यहाँ से आपके पास ये क्लस्टर 1 बनना शुरू हो जाएगा। 950 जो कोर पॉइंट है वो आप सबसे पहले लिखें यहाँ पे, फिर इसका जो सर्कल आपके पास बना है 950 का, इस तरह कुछ बन जाएगा ना यहाँ पे। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आए थे, एक ये था 800 था, 900 था यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पे कहीं 1140 था। ये जितने पॉइंट्स भी इसके अंदर आए हैं ये भी आप इसके साथ यहाँ पे मेंशन कर देंगे, 800, 900 और 1140, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पहला स्टेप? यस जी सर। आपने एक कोई रैंडम एक पॉइंट उठाया, उसे आपने चेक किया कि क्या ये कोर पॉइंट है या नहीं है। अगर तो वो कोर पॉइंट है तो जो भी उसके सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे थे, सर्कल हमने पिछले स्लाइड्स में भी देखे कि क्या चीज़ है, उसके सर्कल के अंदर एप्सिलॉन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब भी आपने इसी क्लस्टर के अंदर लिख लेने हैं। अब आप क्या करेंगे कि 950 तो आप चेक कर चुके हैं, इसी क्लस्टर के अंदर आप सेकंड पॉइंट आप देखेंगे 800 है वो आपके पास यहाँ पे, 800 को अब आप देखेंगे क्या 800 कोर पॉइंट है या नहीं है। 800 का चेक करें क्या ये है कोर पॉइंट, एट हंड्रेड आपके पास यहाँ पे आ रहा है सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 1000 तक जाएंगे ये पॉइंट्स, और रिवर्स साइड पे आप देखें तो ये 600 तक आपके पास जाएंगे, 600 से लेके 1000 तक आप देखेंगे कि अंदर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। एक 800 खुद है, एक 900 है और एक 950 है, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कोर पॉइंट है लेकिन ये ऑलरेडी हमने इसके अंदर लिखा हुआ, तो इसको हम यहीं पे रहने देंगे, ठीक है, 800 पड़ा रहेगा यहीं पे। 900 को देखें आप, 900 भी आप देखें ये भी कोर पॉइंट ही है, क्योंकि इसके अंदर भी एक तो 800 आ रहा है, ये कहाँ से चलेगा, 700 से लेके चलेगा आपके पास 1100 तक, ठीक है। इसके अंदर आपके पास एक तो ये 800 आ रहा है, 900 आ रहा है, 950 भी आ रहा है, तीनों पॉइंट्स यही हैं, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं यहाँ पे, तो अगेन कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, ये भी लिखा रहने देंगे यहीं पे। 1140 को अब आप देखें क्या 1140 कोर पॉइंट है, जाहिद आप बताएं। अलेवन फोर्टी कोर पॉइंट है, इमरान आप बताएं।
हमजा आप बता दें। सर इसका बेक पर अगर हम जाएंगे तो 940 आ जाता है, तो एक 950 वाला पॉइंट आ सकता है, एक 1140 आ सकता है, मगर इससे आगे भी नहीं आ सकते, तो इसलिए ये नहीं है, ये कोर पॉइंट नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या ये डेंसिटी रीचेबल है? कनेक्टेड तो है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी 900 हमने देखा था, 900 कोर पॉइंट है, वो 950 भी कोर पॉइंट है, 950 के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इनडायरेक्टली भी है, डायरेक्टली भी है, ठीक है। तो ये डेंसिटी रीचेबल तो है कोर पॉइंट से, तो हमने कहा था कि जो डेंसिटी रीचेबल और कोर पॉइंट जो होते हैं इनको मिला के हम एक क्लस्टर बना लेंगे, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करके एक क्लस्टर बना लेंगे तो यहाँ तक ये एक क्लस्टर बन जाएगा। अब 140 आगे किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इसके सर्कल के अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन के में कोई और पॉइंट नहीं आ रहा, ऐसा ही है ना। 1340 तक इसका सर्कल जाता है आगे, तो जबकि नेक्स्ट पॉइंट है वो 1350 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम इस क्लस्टर को बंद कर देंगे। ये हमारे पास पहला क्लस्टर बन गया इस डाटा के अंदर से। अब हम क्या करेंगे कि इसी डाटा में से एक और पॉइंट रैंडमली हम सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी, वो भी आप में से कोई बता दे। 1350 को हम ले लेते हैं सपोज, ये पॉइंट हम इसको चेक करते हैं। अब क्या ये कोर पॉइंट है? क्या ये कोर पॉइंट है? नो सर। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये 1150 तक जाएगा पीछे से। जी जी। और आगे 1550 तक। हाँ जी। तो इसके एप्सिलॉन के अंदर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं सर? एक 1500 आ गया, 1350 आ गया। जी। दो ही पॉइंट्स हैं, ठीक है? यस सर। जबकि रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? 3 की है। तो कम तीन पॉइंट्स होंगे एप्सिलॉन के अंदर तब वो कोर पॉइंट होगा। तो लिहाजा 1350 हमारे पास कोर पॉइंट नहीं है। फिलहाल हम इसे इग्नोर करेंगे, ठीक है? कोई और पॉइंट आप देख लेते हैं। 1500 को हम चेक कर लेते हैं। 1500 का सर्कल स्टार्ट होता है 1300 से और खत्म होता है ये 1700 तक। इसके अंदर क्या तीन पॉइंट्स हैं? यस सर, ये कोर पॉइंट है। ठीक है, ये आपके पास कोर पॉइंट आ जाएगा। कोर पॉइंट क्यों है ये? कौन कौन से पॉइंट है इसके सर्कल में? सर एक 1600 हो गया, एक 1500 है, 1350 है और एक 1350 है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो C2 हमारा स्टार्ट होगा 1500 से। पहला पॉइंट कोर पॉइंट ही हम रखेंगे। इसके सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे थे अब हम उन्हें लिख लेंगे। एक हमने देखा था, एक तो ये पॉइंट आ रहा है और एक ये आ रहा है। सर सर्कल में जो पॉइंट्स आएंगे उनको हम रैंडमली लिख सकते हैं या एक सीक्वेंस से लिखना है? इसी सीक्वेंस में रखें तो बेहतर है, जिस सीक्वेंस में ये इस डेटा के अंदर पड़े हुए हैं ना उसी तरह रखें तो बेहतर है। लेकिन पहला पॉइंट कोर पॉइंट रखेंगे आप, उसके बाद आप उसके पॉइंट्स को लिखेंगे, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में। सर सर ये जो हमने लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोबारा बोले सर, लेफ्ट साइड लेंगे या राइट साइड लेंगे? लेफ्ट से कर कोर पॉइंट लिख लेंगे। स्मॉलर पॉइंट पहले आप लिख लें। ओके, जिसका स्मॉलर वैल्यू वो पहले लिख लें। वैसे फर्क तो नहीं पड़ेगा, बेसिकली क्लस्टर तो सेम ही होगा, लेकिन अच्छा जरा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर रहता है, आसानी रहेगी। जब आप भी पूछे, आप दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? डेंसिटी रीचेबल प्लस कोर पॉइंट के थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा आप। ठीक, मैं इस केस में आपको बता देता हूँ ये। अब जैसे 1500 ये हमें पता चल गया ये कोर पॉइंट है, इसके साथ जो इसके सर्कल के अंदर कौन कौन के पॉइंट्स आ रहे थे? 1350 हाँ जी, 1600, ठीक है, बस ये दो ही है। अब ये दोनों जो हैं ये बेसिकली इस तरह हुआ है ना कि 1500 आपके पास यहाँ था, इसका सर्कल ये था, इस तरह कुछ, तो ये शेप अब इसकी ठीक नहीं है। लेकिन भारत यहाँ पे कहीं पे ये 1350 आ रहा है सपोज, और यहाँ पे हम कहते हैं सपोज 1600 आ रहा है, ठीक है, ये दो पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये डायरेक्टली रीचेबल हैं इस कोर पॉइंट से, ये कोर पॉइंट है आपके पास, ठीक है। जो अभी आप पूछ रहे हैं कि डेंसिटी रीचेबल कौन से पॉइंट्स हैं, जो डायरेक्टली इस कोर पॉइंट से कनेक्टेड हैं वो आपके पास डायरेक्टली रीचेबल पॉइंट्स हैं। सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास होता 1700, तो 1700 या 1750 आप कह रहे हैं, अब 1750 1500 के सर्कल के अंदर नहीं अकर करेगा, क्योंकि ये 1700 तक इसका सर्कल है। जबकि 1600 का अगर आप सर्कल देखें, इसके अंदर 1750 भी आ जाएगा। तो
इस पॉइंट के रेफरेंस अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये इनडायरेक्टली होगा सर, 1500 से इनडायरेक्टली होगा, लेकिन 16 से तो डायरेक्टली होगा। जी जी, 1600 से ये डायरेक्टली है, जबकि 1500 के कंपैरिजन में अगर आप देखें उसके हिसाब से देखें तो ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है उससे, ठीक है। तो इस केस में अब ये हमारे पास आ गया कि ये दोनों पॉइंट्स आ गए, अब आप इन दोनों को चेक करेंगे कि क्या ये इन दोनों के साथ भी कोई और, इनके सर्कल्स के अंदर कोई और पॉइंट्स अकर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 1350 का जो सर्कल था उसके अंदर आप देखें कोई और पॉइंट था, नहीं था, ये हम पहले चेक कर चुके हैं, ऐसा ही था ना। बल्कि एक ये पॉइंट आ रहा है 1500, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, जी वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी अकर कर रहे हैं। इसी तरह 1600 को चेक करें, क्या इसके सर्कल के अंदर कोई पॉइंट्स आ रहे हैं इन दोनों के अलावा? यस यस सर, 1800 आ रहा नहीं, नहीं वो 1810 है, नहीं आ रहा सर, वो नहीं आ रहा। तो आप इस सर क्लस्टर को भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ये आपके पास दो क्लस्टर्स बन गए। अब आपके पास ये वाले जो पॉइंट्स हैं, यानी कि 800 भी हो चुका है, 900 भी, 950, 1140, 1350, 1500 और 1600, ये पॉइंट्स आप देख चुके हैं। इनके अलावा जो बाकी पॉइंट्स है, अगेन उनमें से कोई रैंडमली चेक कर लें, उन सबको भी आप यही देखेंगे क्या वो कोर पॉइंट हैं कि नहीं है। अब मुझे पता है, मैंने ये डाटा पहले देखा हुआ है, इनमें से कोई और भी कोर पॉइंट नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके सर्कल के अंदर तीन पॉइंट्स आते हों, और ना ही वो किसी कोर पॉइंट के साथ रीचेबल है। बाकी पॉइंट्स रह जाएंगे जो कि ना तो कोर पॉइंट्स हैं और ना ही रीचेबल हैं, उनको आप कह देंगे ये सारे आउटलायर्स हैं, यानी कि उसमें 100 आ रहा है, 200 आ रहा है, 500 आ रहा है, 1810 आ रहा है, 2000 आ रहा है और 2500 आ रहा है, ठीक है, ये सारे आपके पास आउटलायर्स आ जाएंगे और ये दो आपके पास क्लस्टर्स बन जाएंगे। अब देखें, आपने इसके अंदर खुद नहीं था बताया कि हमें कितने क्लस्टर्स चाहिए, ठीक है, तो ये रैंडमली इसने खुद ही डाटा को देखते हुए, आपके एप्सिलॉन की वैल्यू और मिनिमम पॉइंट्स को देखते हुए खुद से इसने दो क्लस्टर इसमें से बना दिए आपके लिए। समझ आ गई सबको? जी सर, ठीक है, बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है। अब आपने ये करना है, इसी डाटा को यूज करते हुए या कोई नया डाटा खुद से अज्यूम कर लें, एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करें, मिनिमम पॉइंट्स की वैल्यू चेंज करें, इस पर ना थोड़ी प्रैक्टिस करें आप, ये बहुत सिंपल से, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, ये डिफरेंट और सिनेरियोस बनेंगे इसके अंदर के, वो सारे जो जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे साथ साथ। कोई क्वेश्चन आपको हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, कॉल कर लें। इंक्लूड है एग्जाम में, मॉक? ये मॉक में इंक्लूड नहीं है, लेकिन फाइनल में ये डेफिनेटली आना, ये लाजमी आना है। सर ये इतना सही है बस? जी जी सर, ये तो काफी टफ है सर, अभी आप कह रहे सर प्रैक्टिस करें, ये बहुत सिंपल है, ये ठीक है सर। ये जो डेंसिटी रीचेबल वैल्यू जो होगी अगर ये कोर पॉइंट से अगर डायरेक्टली क्या नाम है रीचेबल हो तो ये वैल्यू कंसीडर की जाएगी? जी जी कंसीडर करेंगे ना। देखिए यहाँ पे हमने किया है, अब ये 1140 था जैसे ये वाला पॉइंट, अब ये कोर पॉइंट नहीं है लेकिन ये कोर पॉइंट से रीचेबल है, 950 के सर्कल के अंदर ही आता है, ठीक है, तो ये रीचेबल था इसलिए हमने इसे इस क्लस्टर के अंदर इंक्लूड किया है। जो कोर पॉइंट्स हैं और जो को रीचेबल पॉइंट्स हैं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ये सारे मिल के क्लस्टर बनते हैं, ठीक है, और जो ऐसे पॉइंट्स जो कि ना तो कोर हों और ना ही किसी कोर पॉइंट से रीचेबल हों, वो आपके पास बन जाते हैं आउटलायर्स। तो पेपर में भी और अमूमन आपसे यही कहा जाएगा कि आपने जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ ये कि फाइंड द क्लस्टर्स एंड आउटलायर्स, ये दोनों चीजें आपने डिटरमिन करनी होंगी, क्लस्टर्स भी और आउटलायर्स भी, ठीक है, सही है। ये टफ नहीं है, ये सिंपल सही है। जी जी पूछें सर, इसमें जो एक चीज जो कंफ्यूज कर रही है सर, जो डेंसिटी रीचेबल होंगे और कोर पॉइंट्स होंगे वही क्लस्टर उसमें क्लस्टर में लाए करेंगे? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, जैसे ये 1140 का मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इस पॉइंट के सर्कल के अंदर आ रहा था 950 का, ठीक है, 950 यहाँ पे था सपोज, ठीक है, ये 1150 तक इसका सर्कल जाता है, ठीक है, जो इसका रेडियस आप देखें ना, तो 1140 कहीं यहाँ पे आ रहा था तो इसके सर्कल में था, इसलिए हमने इसे इसी के क्लस्टर के अंदर रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पॉइंट दो क्लस्टर के अंदर आ रहा हो, ये होगा ही नहीं, इसमें एक ही क्लस्टर में आएगा एक पॉइंट। अगर सपोज ये हम कहते कि 1350 की जगह यहाँ पे होता आपके पास 1310, ठीक है, तो 1310 कहाँ पे जाना था,
इसकी जगह सपोज होता आपके पास 1310, तो आप देख सकते हैं कि 1140 के सर्कल के अंदर 1310 ने आ जाना था, ठीक है, तो उसे भी आप यहाँ पे लिख देते 1310, वो भी इसी सर्कल में आ जाता, यहाँ से उसे निकल जाना था फिर। सर जो आंसर लिखेंगे तो इस तरह C1, C2 और आउटलायर्स लिख के दे दे या साथ में वो गोलदायरे और कैलकुलेशन वगैरह भी कर। मुझे आंसर सिर्फ इस फॉर्म में चाहिए, वो आपने अपने पास वर्क में करना होगा, ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट बस कैलकुलेशन आप वहां पे कर दें, पब्लिक बेशक ना देखें, कैलकुलेशंस लेकिन वहां पे करते हैं आप सारी। सर इसमें आपसे एक और चीज पूछनी है सर। जी जी सर, इसमें अब जिस तरह हमारे पास डाटा है 100 से लेकर 2500 तक हमारे पास डाटा है। जी जी सर, अभी तो हमने रैंडमली अपने मर्जी से लाइक 950 पहले हमने सेलेक्ट किया, फिर उसको हमने सर्कल बनाया और वो सारा प्रोसेस किया। सर हमें पेपर में तो फिर सर हम अपनी मर्जी से करेंगे या स्टार्ट से स्टार्ट करें? नहीं देखें, मैंने आपको बताया इनमें से कोई भी पॉइंट आप पहले ले लें, कोई भी, मैंने 950 लिया, आप चाहे तो अगर स्टार्ट में ये ले लेते 2000, आंसर आपका एग्जैक्ट यही आना है, ठीक है, वो आप पे होगा, आप जिस मर्जी पॉइंट को पहले सेलेक्ट कर लें, चाहे तो आप स्टार्ट में 100 को सेलेक्ट कर लें। लेकिन सर अब जिस तरह अब 100 200 500 810 2000 2500 ये सारे आउटलायर्स हैं। जी जी सर, ये फिर हमारे आउटलायर्स पहले निकल आएंगे ना? हां पहले लिख लें। हां तो इग्नोर करते जाएंगे। हां इन्हें साथ-साथ ना आप उस टाइम इग्नोर करते जाएंगे। हमने देखा था शुरू में 1350 को हमने लिया था, ठीक है, हमने देखा था कि ये कोर पॉइंट नहीं बन रहा, तो हमने उस वक्त हमने इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब हमने पॉइंट 1500 को देखा, हमने देखा कि ये इसके सर्कल के अंदर 1350 आ रहा है, वो इस क्लस्टर के अंदर आ गया था, उसे हमने आउटलायर क्लस्टर ही थे ना। जी जी देखिए मेरी बात एक और सुन लें, ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। आप जब ये इन क्वेश्चन पॉइंट्स को देखेंगे, अगर वो कोर पॉइंट नहीं है, आपने डायरेक्टली उसे आउटलायर डिक्लेयर नहीं कर देना फौरन ही, आप थोड़ी देर के लिए उसे साइड में पड़ा रहने दें, क्योंकि हो सकता है वो किसी और पॉइंट के सर्कल के अंदर आ जाए। जैसे 1350 एक पॉइंट था, ठीक है, जी जी, ये हमने देखा था कि ये कोर पॉइंट नहीं है, तो मैंने उसे उसी वक्त ये नहीं था कह दिया कि ये आउटलायर हो गया हमारे पास, मैंने कहा चलो इसे अभी थोड़ी देर तक देखते हैं। फिर हमने जब ये नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा 1500, तो हमने देखा कि 1500 के साथ ये डायरेक्टली रीचेबल है ये पॉइंट, यानी कि 1500 जो कोर पॉइंट है उसके सर्कल के अंदर ये आ रहा है, तो हमने इसे उसी के क्लस्टर के अंदर ऐड कर दिया, इसे हमने आउटलायर नहीं कहा, ठीक है। जब आप ये देखेंगे कि कोई एंड पे बच जाएंगे पॉइंट्स जो कि किसी क्लस्टर में नहीं आए, किसी ना तो वो कोर पॉइंट थे ना वो किसी कोर पॉइंट के सर्कल में आ रहे थे, एंड पे आप उन्हें कह देंगे कि ये सारे आउटलायर्स हैं, ठीक है। स्टार्ट में आपने ये आउटलायर डिक्लेयर नहीं करना, अनलेस कि आपको 100% गारंटी है कि ये किसी और पॉइंट के सर्कल के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है सर, ठीक है, आई होप के आंसर मिल गया आपको अपने क्वेश्चन को। जी सर मिल गया।